हाँ वो क्या आप पूछ रहे हैं? हाँ पहले तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने एक श्लोक उद्धृत किया है, वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिन बिना अकांत की हरेर भक्ति ही उत्पाताय केवलम। यदि वेद शास्त्र पुराण पांचरात्र आदि से विरुद्ध कोई एकांत की भक्ति है तो वो केवल उत्पात का ही हेतु है। ये भक्ति ताम्र सिंधु में उद्धृत किया है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने, वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिन बिना अकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय केवलम। ये देखो वो भक्ति का जो मुख्य लक्षण करते हैं, एक लक्षण तो उनका ये है कि भगवान से प्रीति हो, दूसरा लक्षण ये है ऋषिकेश सेवनम भक्ति वर्तमान, अपने इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश का जो सेवन है वो उत्तम भक्ति है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ऋषिकेश का सेवन होगा वो यदि एकांत में नहीं होगा, सार्वजनिक होगा, ऋषिकेश मान लो हम श्री कृष्ण को चाटते हैं जीव से है? या नाक से सूंघते हैं है? या त्वचा से उनका स्पर्श करते हैं और सब लोगों के बीच में करें है? वहां भीड़ बनी रहे, तो ये भीड़ भाड़ में करने का काम नहीं है, एकांत में जहां वे रहें और मैं रहूं, माने कोई विषय नहीं रहे, कोई वस्तु न रहे, कोई व्यक्ति न रहे, एकांत में सर्वथा एकांत में। और जिस भक्ति का जो सिद्धांत है वो श्री कृष्ण विषयक ही हो, अन्य विषयक न हो, जैसे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रत्युपासते, तो ये अनन्य चेतास्तम जो माम स्मरत निश्चिता, वो योग मिश्रित भक्ति है और अनन्यास चिंतयन्तो माम ये ज्ञान मिश्रित भक्ति है। और यहाँ के लोग जिस भक्ति का निरूपण करते हैं वो शुद्ध भक्ति का निरूपण करते हैं, उसमें ज्ञान और योग अनन्य चेता में योग का मिश्रण है और अनन्यास चिंतयन्तो माम ज्ञान का मिश्रण है। परंतु जो शुद्ध भक्ति है वो कहते हैं कि ज्ञान कर्मा जनावृतम, ज्ञान कर्मा कर्मादि से अनावृत है, न वहां ज्ञान की अपेक्षा है न कर्म की अपेक्षा है, केवल प्रीति ही प्रीति है। तो कहते हैं कि तुम ज्ञान का निषेध क्यों करते हो? तो सांडिल्य का सूत्र है इसके लिए, द्विशतक तत्सत्व थी तद सत्वा, द्विशतक तत्सत्व थी, शत्रु का ज्ञान होता है परंतु तद सत्वा उसकी भक्ति नहीं होती है, इसलिए जहां जहां ज्ञान हो वहां वहां भक्ति हो ही ये नियम नहीं बन सकता, इसलिए ज्ञान और भक्ति में एकता नहीं है। ये सांडिल्य का सूत्र है, द्विशत सत्य भी तद सत्वा, इसलिए न उसमें अन्य विषयक अन्य की उपलब्धि के लिए कर्म का प्रयोग है और न तो अन्य की उपलब्धि के लिए प्रीति का उपयोग है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ये सांडिल्य का, ये तो महाराज तत्व ज्ञान में भी ऐसे लिखा है। बाद में प्राज्ञ महोद्योगम जडम मूकम तथा लसम करोति तत्वबोधोयम असत त्यक्तो बुभुक्षु भी। बुभुक्षु लोगों ने तत्व ज्ञान का परित्याग क्यों किया? ये तो बाग्मी को मूक बना देता है। बाद में प्राज्ञ महोद्योगम है ना, बाल्यम निर्विद्य निर्विद्य मौन शिक्षा से मौनंजा निर्वेद्य, ये तो महाराज बाग्मी को मौन बना देता है और महोद्योग को आलसी बना देता है और प्राज्ञ को जड़
जड़ बना देता है, ऐसा ये तत्व ज्ञान है। इसलिए नारायण जो भोग की आकांक्षी लोग हैं वो इसको नहीं चाहते हैं। तो एकांत भक्ति का अर्थ है प्रीति विशिष्ट वृत्ति से भगवान का आलिंगन, आनंद 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 भक्ति सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा परमानुराग रूपा। ये पांच प्रकार के भक्ति दर्शन इस समय उपलब्ध हैं। उनमें प्राय एक ही प्रकार का भक्ति का दर्शन है, सांदिल्य नारद आंगिरस और अज्ञात कर्तृक और हरिहरा रंग सूत्रात्मक पांच ग्रंथ भक्ति के अपने पुस्तकालय में पांचों हैं ईश्वर के कृपा से। तो अब देखो माधव जो है वो तो आनंद तीर्थ है, तो हमारे दशनामी सन्यासियों के संप्रदाय से ही तो है ना, परंतु उन्होंने तो अद्वैत का बहुत खंडन किया है। वे और उनके मित्र सब उनके अनुयायी बड़े बड़े अनुयायी, तो केवल नाम से तो कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। भक्ति होनी चाहिए भगवान में परमानंद स्वरूप, जैसे बीज फिर वृक्षाकार होता है शंकराचार्य का श्लोक है, उसको भक्ति बोलते हैं। अंकुलम निज बीज संतति रिवा, हाँ जैसे जैसे हाँ यम भक्ति ऐसे बोलते हैं। भक्ति इस तरीके से शंकराचार्य भगवान ने भक्ति की परिभाषा ये शिवानंद लहरी में है। बहुत शंकराचार्य ने हैं हाँ हाँ अवस्था देगा, जैसे चुंबक की ओर सुई लोहा अपने आप जाता है, जैसे पतिव्रता अपने पति की ओर आ सकती है, हाँ जैसे लता वृक्ष का आलिंगन, जैसे नदी समुद्र से मिलती है। मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहरणम्। मधुसूदन सरस्वती ने इसको ऐसे किया, द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतां गता सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति इत्यादि दिए थे। अपनी मनोवृत्ति का प्रवाह जैसे नदी समुद्र में गिरती है, इस प्रकार से अपनी मनोवृत्ति एकमात्र प्रभु को विषय करने लगे। ये जो लोग वृत्ति को पहले शुद्ध नहीं करते या भगवदाकार नहीं करते, पहले वृत्ति को या तो शुद्ध कर लो और या तो भगवदाकार कर लो, और उसके बाद देखो अपने स्वरूप से पृथक वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। परंतु पहले शुद्ध होना आवश्यक, चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तर। द्वैत की भाषा में ही प्रश्नोत्तर होने, द्वैते एव गुरु शिष्य व्यवहार अद्वैते कथम गुरु शिष्य न गुरु न शिष्य इति शंकराचार्य न शास्त्रा न शास्त्र। तेषाम लघु पूर्व पक्ष महापूर्व पक्ष महापूर्व पक्ष महाउत्तर पक्ष श्रीभाष्य से प्रारंभ है। द्वैतमिव भवति द्वैतम न भवति द्वैतम तो नास्ति एव द्वैतमिव कल्पितं प्रतीयते। हाँ नहीं तो व्यवहार में है, सारा का सारा व्यवहार में है। अद्वैत में जो व्यवहार बाधित है अद्वैत ज्ञान से
और उसी में सब सुख हैं, परीक्षित हैं सब के सब। ये जिनका जाना आना है ना वो सब। देखो लक्ष्मण जी से भी भगवान रामचंद्र सीता जी का वो जो अग्नि स्थापन है ना वो छिपा देते हैं। मैं लक्ष्मण हूँ या बार बन जाना है, जिसका मतलब है कि जीव सर्वज्ञ, लक्ष्मण भी सर्वज्ञ नहीं है। अच्छा, और सीता जी का परित्याग कर देते हैं, इसलिए भी सीता जी का, सीता जी अभिन्न नहीं है, नहीं तो परित्याग कैसे होता। भरत को छोड़ के 12 भरत रहते हैं, बिल्कुल भिन्न है, सभी तो ये अलग अलग रहते हैं, अभिन्न में परित्याग कैसे संभव है। इसलिए चाहे शक्ति हो चाहे लक्षण हो, लक्ष्मण लक्षण लक्ष्यत्वाद्यास्तु कल्पिता, लक्ष्यत्वाद्यास्तु कल्पिता, परमात्मा असल में लक्ष्य भी नहीं है। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु तु सम तेन स्वरूप से सर्वमेतदितिष्यता विकल्पो निर्विकल्प से विकल्प से भावे आदि व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्मा से। भक्ति जो है ये भगवान के प्रति संसारा शक्ति प्रपंचा शक्ति मिटाने के लिए भक्ति से बढ़ करके और कोई साधन नहीं है। और चांचल्य को मिटाने के लिए योग से बढ़ के और कोई साधन नहीं है। परंतु नित्य प्राप्त जो परब्रह्म परमात्मा है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, उसका अज्ञान निवृत्त करने के लिए तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ये अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आसक्ति छुड़ानी हो तो भक्ति करो, भगवान से आसक्ति करो, झूठी नहीं सच्ची। दुश्चरित्रता छुड़ाने के लिए धर्म आवश्यक है। नाविरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नहीं नमाप्नुया। नाविरतो दुश्चरिता, दुश्चरित्र पहले छूटना चाहिए, एक काम है, नहीं तो प्रज्ञान काम नहीं देगा। प्रज्ञाने न प्राप्त नापि एनम न आत्मजा, ना विरतो दुश्चरिता ना शांत, काम क्रोधादि युक्त है तब भी प्राप्त नहीं होगा। ना शांत हो ना समाहिता, चित्त एकाग्र नहीं है तो भी नहीं, और ना शांत मानसो वापी सिद्धि की इच्छा है तब भी नहीं। जब तू विज्ञानवान भवती समनस्क सदा सुखी सतु तत्पद आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। जब विज्ञानवान भवत समनस्क सदा सुखी न स तत्पद आपनोति संसारम चाधिगच्छति। स्पष्ट रूप से धर्मानुष्ठान काम क्रोधादि की शांति एकाग्रता और सिद्धि आदि जो है उनकी उपेक्षा। और महाराज ऐसे ही कह दिया कि आओ आओ हम तुमको ब्रह्म ज्ञान करोगे तो थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का काम चल जाता है, वो बात दूसरी है, वो जीविका सही है। हाँ कभी भगवत कृपा से कोई वेदांत श्रवण का भी पुण्य होता है, अदृष्ट नहीं, दृष्ट में ही वो हमारे अंतकरण को वेदांत श्रवण से दृष्टफल होता है, अंतकरण की शुद्धि होती है। श्रवण चाहे समझ में न आवे, विचार न हो, निश्चय न हो, परंतु श्रवण करो तो धीरे धीरे अंतकरण शुद्धि का काम होगा। ये वेदांत श्रवण स्वर्ग वैकुंठादि की प्राप्ति के लिए नहीं है, या समाधि आदि की सिद्धि के लिए भी नहीं है, ये तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए। वैसे नितांत अज्ञान जो है वो तो ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान विशेषा भाव ब्रह्मात्मय का अज्ञान है, सर्वथा ज्ञान का अभाव तो होता ही नहीं है। ज्ञान विशेष का अभाव अज्ञान है, नितांत ज्ञान तो जड़ता है, मुड़ता है उसमें, इसलिए अज्ञान का प्रकाशक भी ज्ञान ही है। अपरोक्ष मानते हैं ना,
अज्ञान को अपरोक्ष मानते हैं, परोक्ष नहीं मानते। स्मृति रत्न ज्ञान में वर्ष साक्षात्कार।